हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आपने मेरे ऑक्जो एसिड के जो वीडियो लेक्चर थे उसको सही से फॉलो किया होगा, उसके ट्रिक्स को सही से समझा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। नाउ उसको एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे 1 मिनट के अंदर में करना है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, उसके बारे में आइडिया मैं इस वीडियो लेक्चर में देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे। जो मैंने क्वेश्चन अभी लिए हैं वो 2023 के हैं और ये 15 अप्रैल शिफ्ट वन में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्जो एसिड ऑफ फास्फोरस से रिलेटेड था। क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स इन H4P2O7, HPO3O3 एंड P4O10। नाउ आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा? तो अपने पास सिर्फ एक वाला पिकअप करना था या अस वाला। तो अगर H3PO4 लूँ मैं तो फॉस्फोरिक एसिड, और H3PO3 लूँ तो फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे चूंकि ज़्यादा ऑक्सीजन है तो H3PO4 वाला लेंगे। H3PO4 के दो मॉलिक्यूल ले करके अगर एक वाटर निकालोगे तो ये H4P2O7 आ जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर निकालने का मतलब आपको बताया था कि फास्फोरस के जितने भी ऑक्जो एसिड हैं उसमें एक पी डबल बॉन्ड हो बनाना ही है और एटलीस्ट एक ओएच रखना है। चूँकि वी आर टेकिंग H3PO4, सो एक और ओएच होंगे और ये ओएच और उधर वाले का जो ओएच है वो वाटर के फॉर्म में निकाल देंगे। तो ये आपका बन जाएगा एक्चुअल में पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ इसमें देख सकते हो कि POP लिंकेज 1 है और ये 0 है और ये 0 है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप 50-50% में आ चुके हो आप। नाउ अगर HPO3 की बात करें तो H3PO4 से अगर मैं एक वाटर निकालूंगा तो HPO3 आएगा, और इसके तीन मॉलिक्यूल अगर लूंगा तो ये ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा। और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो तीन फास्फोरस, अगेन सेम पॉइंट कि सबको एक पी डबल बॉन्ड ओ देना है और एक एटलीस्ट ओ एच बॉन्ड इसके पास होने चाहिए। तो ये आप पहले ड्रॉ कर दो। नाउ आपके पास सिर्फ आप तीन ऑक्सीजन बचे हैं तो जो कि बीच में POP लिंकेज से होंगे। तो इसमें तीन POP लिंकेज हैं जो आप देख सकते हो यहाँ से। तो फिर ये टू होने की वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो ओनली ऑप्शन डी। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इसका स्ट्रक्चर मुझे नहीं भी मालूम था तो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। नाउ बाय द वे अभी तो मैं आपको बता देता हूँ P4O10 का कैसे बनाएंगे। तो अगेन वेरी सिंपल, यू हैव फोर फॉस्फोरस ऐसे ड्रॉ कर दीजिए आप, एंड सबको एक पी डबल बॉन्ड हो आपको देना ही है तो एक पी डबल बॉन्ड ओ दे दीजिए और सबको POP लिंकेज से फिर कनेक्ट कर दीजिए। नाउ अभी तक फास्फोरस ने 4 ही बॉन्ड बनाया, और फास्फोरस अपने ऑक्जो एसिड में या ऑक्साइड में भी 5 बॉन्ड बनाएंगे ही। तो एक पी को इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए और एक को इस तरीके से। तो आप इसमें देख सकते हो 6 POP लिंकेज है, सो आंसर विल बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये क्वेश्चन 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 में पूछा गया है, और ध्यान दें पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो मैं कैसे जा रहा हूँ वो ध्यान दो आप। एक वर्ड लगा हुआ है इसलिए मैं क्या ले लूँगा, H3PO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड। तो फॉस्फोरिक वर्ड आ गया। और पायरो कब लगाते थे, जब इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाएंगे। तो इसका दो मॉलिक्यूल पहले आप ले लें और फिर एक वाटर हटा दें तो रेडीमेड स्ट्रक्चर आपके आँखों के सामने है। तो ये बन गया आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ही बन गया आपके सामने। अब इसमें क्या पूछा है तो वो आप इजीली आंसर कर सकते हो। इंटीजर टाइप में ये प्रॉब्लम था, रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट करूँ तो ध्यान दो, एक मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये ओ एच के पास भी सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, दो,
एक सिग्मा इसमें भी होंगे क्योंकि एक पाई होगा, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है, रेस्ट पाई होते हैं, तो ये थ्री हो गए, ये फोर, इसमें हाइड्रोजन है तो यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड ट्वेल्व, तो सिग्मा इज ट्वेल्व एंड पाई यू कैन सी कि ओनली टू पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो पाई इज टू, सो सिग्मा बाय पाई will be 12 by 2, that is 6 answer. Now next question is question number 3, sum of oxidation states of bromine in bromic, ek word laga hua hai and per word laga hua hai, bromic, to you know halogen ke case mein bola tha humne ki jo plus 5 oxidation state hota hai usme hi ek lag jata hai, to bromic hai to ye kya ho jayega, HBrO3, और ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में लग गया, पर ब्रोमिक कैसे, जब इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे डैट विल बी HBrO4 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 7, सो दोनों का सम पूछा गया है तो 7 प्लस 5 डैट इज 12 विल बी द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, अगेन फॉस्फोरस के बारे में पूछा जा रहा है, हाइपो और फॉस्फोरिक, देखो एक वर्ड लगा हुआ है तो यू नो एक लगा हुआ है तो मैं क्या ले लूंगा, H3PO4, और हाइपो वर्ड कब लगाते थे, जब इसके दो मॉलिक्यूल लेकर करके एक वाटर मॉलिक्यूल आप हटा दोगे तो यू विल गेट हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड और फिर उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल लेने के बाद एक वाटर हटाते तो पीओपी आता, फिर उससे एक ऑक्सीजन कम करते तो डायरेक्ट आपको पीपी लिंकेज आएंगे यहाँ पे. नाउ फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट में, यू नो फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सो यहाँ पे इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से चार प्लस क्रिएट होंगे, और यहाँ पे दोनों पीपी हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सो इसकी वजह से कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर विल बी 4, और ये 31 जैन को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्जो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3 सोल्यूशन, तो मैंने वीडियो लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन का आइडिया दिया था, AgNO3 से सिल्वर मिरर कब बन सकता है, यू नो Ag यहाँ पे प्लस वन में है तो ये जब प्लस वन से जीरो में जाएगा तो सिल्वर फॉर्म होगा और सिल्वर में फिर आपको चेहरा दिखेगा अपना, तो डैट इज सिल्वर मिरर. नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन देगा, तो जिसके पास पीएच बॉन्ड होंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच होगा क्योंकि वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो अब हम कैसे ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखो ये मेटाफॉस्फोरिक वाला, ये मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि अगर H3PO4 के एक वाटर को हटाऊंगा तो HPO3 मिलेगा, तो इसमें तो एक भी पीएच बॉन्ड नहीं था क्योंकि सारे पीओएच थे, तो ये तो नहीं होंगे. नाउ H4P2O5, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो डेफिनेटली अस वाले से हम सोचेंगे, तो H3PO3 के दो मॉलिक्यूल को लेकर के एक वाटर हटाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, डैट इज पायरो फॉस्फोरस एसिड, तो इसमें डेफिनेटली पीएच बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं क्विकली यहाँ पे बना देता हूँ, एक पीओ और एक पीओएच एटलीस्ट होना चाहिए था, एक हेच और एक ये पीओपी लिंकेज से अगेन सेम इधर ये रहेंगे, तो आप देख सकते हो ये H4P2O5 का स्ट्रक्चर बन गया, चूँकि यहाँ पे दो दो पीएच बॉन्ड है तो ये शो करेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा. H4P2O6 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये कैसे हम सोच सकते हैं, H3PO4 के दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाएंगे तो H4P2O7 आएगा, उससे एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो H4P2O6 आ जाएगा, तो ये फॉस्फोरिक से बना हुआ है और इट इज़ एक्चुअली हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें कोई पीएच बॉन्ड नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, और यहाँ पे ये देख सकते हो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है. तो ये जो 2023 में मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हमने बताया, टोटल 5 क्वेश्चन ऑक्जो एसिड से उस एयर में पूछे गए थे डिफरेंट शिफ्ट में. नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा नहीं समझे नीट वाले बच्चे कि सर सिर्फ मेंस का बता रहे हैं, नीट वाले क्वेश्चन अगर आपने मेंस के कर लिए तो नीट वाले प्रॉब्लम तो वैसे भी आपके लिए बहुत ईजी है, और अगर आपने मेरे ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो नीट के क्वेश्चन तो आपसे और भी ईजी वे में होंगे. जैसे नीट में
2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सल्फर के ऑक्सो एसिड पे था, और क्वेश्चन वाज के पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिस सल्फ्यूरस एसिड में एस ओ एच बॉन्ड कितने हैं, एस डबल बॉन्डो कितने हैं, एस ओ एस लिंकेज कितने हैं, एस ओ ओ एस लिंकेज कितने हैं, मैच द फॉलोइंग में था ये जस्ट मैंने। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि इसका स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा, तो लेकिन वो तो मेरी ट्रिक से बहुत ईजी हो चुका है। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो सल्फ्यूरिक, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आप क्विकली बना लेंगे, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। पायरो सल्फ्यूरिक दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाना है, तो अब मैं डायरेक्टली क्विकली बना रहा हूँ, आई होप आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो ये हमने बना दिया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का, पर ऑक्सो में एक और ऑक्सीजन जोड़ देना है, तो सब आपकी आंखों के सामने ही रहेगा, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम पूछ ले आप इजीली कर पाओगे। एंड नाउ द सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड भी इजी है, H2SO3 एसवर्ड लगा हुआ है, तो इसमें दो OH एक लोन पेयर होंगे, तो मैच द फॉलोइंग में सब आपको मालूम था, आपकी आंखों के सामने था, तो आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि H2SO3, H2SO4, H2S2O8 एंड H2S2O7 में नंबर ऑफ परऑक्सो बॉन्ड इंटीजर टाइप में 29 जुलाई शिफ्ट 2 में, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो कितना इजीली, और अगेन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, इंटीजर टाइप में जो 10 में से कोई 5 करने होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, जस्ट उसका सही सिलेक्शन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। नाउ पर ऑक्सो लिंकेज कब आया था, जब किसी भी अस या इक वाले एसिड को उठाएंगे उसके दो मॉलिक्यूल लेके एक वाटर हटाएंगे तो पायरो, फिर उसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो पर ऑक्सो। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये तो सल्फ्यूरस है, तो यहाँ तो ये सिंगल अस वाला है, ये सल्फ्यूरिक है, तो यहाँ तो पर ऑक्सो लिंकेज की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे इसमें हो जाएगा क्योंकि ये पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पायरो है, तो पायरो में SOS लिंकेज होंगे, तो आंसर विल बी 1। देखो अब कितना इजी पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगेन सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में ही कि किस ऑक्सो एसिड में सल्फर का 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस क्वेश्चन को आप कैसे थिंक करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो H2S2O3 ये जो फार्मूला है ये किस तरीके से आ पाएगा, जो आपको हमने तरीका बताया है उस तरीके से नहीं है, लाइक दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाओ इस टाइप का नहीं है, या फिर उसमें ऑक्सीजन जोड़ो कम करो, बट उसी टाइप का है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ पे H2SO4 लिखता तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता, बट अब क्या किया गया, अब यहाँ से यहाँ में कंपेयर करो तो क्या किया गया है, एक ऑक्सीजन को हटाया गया है और उसकी जगह पे एक सल्फर को ऐड कर दूंगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना भी हमारे लिए क्या हो चुका है, इजी हो चुका है। और वो कैसे, तो वो आप ऐसे देख सकते हो H2SO4 में एस डबल बॉन्डो OH कर देंगे आप, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर देंगे। नाउ ये जो सल्फर है आपका ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि 6 बॉन्ड है, और ये सल्फर -2 में, जो कन्फ्यूज़न होता है या बच्चों को समझना आता है कि सर दोनों सल्फर सल्फर था तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो आपने क्यों इसका -2 लिया और इसका +2 लिया, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है बट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1σ2 लोन पेयर से sp2 है, यू नो जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होता है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दो बॉन्ड की वजह से 2 माइनस आएंगे, तो इस पर 2 प्लस आएंगे, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाय द वे अगर मान लो किसी को इसके बारे में नहीं मालूम होता फिर भी वो कर सकता था, ये आपका कौन सा है, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें दोनों सल्फर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ये आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है और ये आपका परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाएंगे तो ऑप्शन सी वाला आता, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ते तो ऑप्शन डी आता, उसमें एक कम करते तो ऑप्शन बी आता, और इन तीनों में ही सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहते, डिफरेंट नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट इन सल्फ्यूरस पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड,
आप देख सकते हो सल्फर के ऑक्सो एसिड को बार बार, या फिर फास्फोरस के या हैलोजन के, और इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। इसलिए मैंने बात की है कि कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बुक के पीछे भागते हैं, ये इससे इतना क्वेश्चन कर लेना है, इससे इतना क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन भले ही आप कम करो बट कंसेप्ट को आपको सही से पकड़ना है। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो इजीली मेंस या नीट के प्रॉब्लम आपसे हो जाएंगे। नाउ इस पे बात करें अगर तो सल्फ्यूरस परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में एस डबल बॉन्ड हो, तो यू नो सल्फ्यूरस कौन सा हो गया, H2SO3, तो उसमें एस डबल बॉन्ड हो तो एक ही होगा, तो एक होगा, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये सी डी मैं पहले निकाल दूंगा। और पायरो सल्फ्यूरिक और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक भी बनाना इजी है। पायरो सल्फ्यूरिक अगर मैं पहले बना लूँ तो यू नो SOS लिंकेज के अकॉर्डिंग ये आपका हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें आप देख सकते हो एस डबल बॉन्ड 4 हो जाएंगे, तो 4 वाले ये दोनों ही थे। और जब पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक बनाओगे तो एक और ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट हो जाएगा, तो अभी भी ये एस डबल बॉन्ड 4 ही रहेंगे, तो 144 सो ऑप्शन विल बी। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सीएलओ बॉन्ड इन क्लोरस, तो यू नो क्लोरस और क्लोरिक एक प्लस फाइव में लगेगा, तो ये आपका है HClO3, ये आपका है HClO2, और पर क्लोरिक इज आपका HClO4। तो आपको मालूम है कैसे बनाना है, वेरी सिंपल, Cl डबल बॉन्ड O और OH, ये हो गया HClO2, तो इसमें 1 होंगे, इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो इंक्रीज होगा, तो इसी में मैं बना दे रहा हूँ 2 आ जाएंगे, और इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसमें एक और आ जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, तो 1, 2, 3 सो ऑप्शन विल बी डी। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना होता तो पहले वाले में 1 है इसलिए ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते, और दूसरे वाले में 1, 1 तो थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में, उसके आगे वाले में 2 होता जबकि यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। तो आपको इस टाइप से जाना है, और आप देख सकते हो कि मेरे ट्रिक से ये कितना इजी वे में हो रहा है। तो चलिए ये 10 प्रॉब्लम हमने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको एक आइडिया आए कि सर कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना बता रहे हैं, कैसे आपको प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, और अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिसका भी भला होगा तो वो आपको दुआ ही देंगे। एंड जो बाकी के प्रॉब्लम बचे हुए हैं, आई होप कि आप पूरी ईमानदारी के साथ उस सारे प्रॉब्लम को आप प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उसको कर लेंगे मेरे ट्रिक से, जिससे आपका ये ऑक्सो एसिड से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आप इजीली उसको कर पाओगे। थैंक यू।